नमस्ते दोस्तों, आज 22 जुलाई 2020 हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो वैसे तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस प्रोजेक्ट में, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आपको बताऊंगा। और हमारा तो वैसे मार्बल एंड टाइल्स लेइंग का वर्क अभी स्टार्ट हुआ है आज से। ये पूरा मार्बल्स यहाँ रखा है, पर इसमें भी अनलोडिंग के टाइम लैंग कॉन्ट्रैक्टर को आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर्स आती है वो कुछ मिस्टेक ऐसी करती है जो आपको दिखाता हूँ। ये जो सीरियल नंबर से जो स्लैब आते हैं इनमें क्या करते हैं, सीरियल नंबर से नहीं रखते हैं, अब आप देख सकते हैं। तो उससे दिक्कत ये आती है कि जो बुक मैच करेंगे तो पत्थर को इधर से उधर करना पड़ेगा। और ये कुछ अंदर का लुक है, ये पूजा रूम है, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस का विड्थ काफ़ी अच्छा है, पर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। जो स्टेयरकेस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अभी ये दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर एक 1.5 इंच अंदर से स्टार्ट होता तो बहुत ही बेस्ट काम होता था, पर ये क्या हो गया कि एक 1.5 इंच बाहर आया है कॉन्क्रीट। तो अभी प्रॉब्लम ये आएगा कि राइजर यहाँ से स्टार्ट होगा तो एंड तक ये थोड़ा प्रोजेक्शन बाहर आ जाएगा, तो वो दिखने में बहुत ही गंदा होता है। ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट वर्क है, इसके लिए अभी मैंने इसको 1-2 इंच चिप करने के लिए बोल दिया है, पूरा 2 इंच ही चिपिंग होगा ऊपर तक। ये ऊपर का कुछ लुक्स इस प्रकार का है। ये चिल्ड्रंस बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, पता नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों किया है, पर ये थोड़ा अभी फ्लोर से लगेगा तो बाथरूम का ये हाइट ज़्यादा है, तो ये सभी रिमूव कराना पड़ेगा। बाथरूम का एक हमेशा कभी भी किसी भी जगह से होना चाहिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 1.5 इंच डाउन डीप रहना ज़रूरी है, पर यहाँ पे ये नहीं किया है। एक्चुअली ये 2 घर हैं, बाहर से सिंगल दिखता है और अटैच है।
अभी हमने लेवल पूरा निकाल दिया इसका, तो कल से लैंग स्टार्ट होगा। ये सभी पूरा क्लीनिंग करेंगे, क्लीन करवा के बुलमार्क अभी नहीं हुआ है, बुलमार्क करना है। ये पूजा रूम है, ये किचन है, ये स्टोरेज इधर आ गया है, इधर बाहर का कुछ दो टॉयलेट्स बनाए हैं। यहाँ पे पूरा टाइल्स रहेगा, जो आपको 3 महीने के बाद इसका फिनिशिंग वीडियो मिलेगा इस घर का। ये सभी बाथरूम्स का टाइल आया है अभी, ओनली वॉल वाला।